Dear students of BG classes, today we will discuss one of the important topic from differential calculus. पिछले लेक्चर में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट. टुडे वी विल डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट. आज के इस वीडियो की जो प्रॉपर्टी है, नाउ वी डिस्कस दैट वन प्रॉपर्टी. इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, वी हैव हियर इफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन exists and is equal to L, then we have to show limit extends to zero. Sorry, extends to A. Sorry for this generalizing. At any point, limit extends to A 1 by f of x equal to 1 by L. Here we show that it is equal to 1 by L, which is equal to 1 by limit extends to A. Extends to A f of x. This can be written in this form also, limit of reciprocal function is always equal to reciprocal of limit of function. इस तरह भी स्टेटमेंट को दे सकते. If we have a function, limit of that particular function exists at a point say A, then the limit of reciprocal function is always equal to reciprocal of limit of function. लेकिन condition डालने, provided f(x) is not equal to zero for all x in domain. इसको prove, I mean, gonna, dear students, we have to show here this. ये हमें show करना. अगर हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बाय f of x इक्वल 1 बाय l, वी गेट द रिजल्ट. फॉर दिस यहीं से हम प्रूफ, गिवन कंडीशन है, वी हैव लिमिट एक्सटेंड्स टू a f of x इट इज इक्वल टू l, ये हमारे पास गिवन है. नाउ कंस्ट्रक्टिंग सेटअप है, यहां 1 ओवर f of x माइनस वन ओवर एल, यही हम ले रहे हैं. वन ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एल, ये हम लेके आगे जाएंगे. व्हाट हैपेंस विद दिस, सिंपलीफाई दिस मॉडुलस फंक्शन, इट इज इक्वल टू हियर डियर स्टूडेंट्स, एल से इसको मल्टीप्लाई होगा, दैट इज एल माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में होगा एल टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास होगा. Clearly, we have here, it is modulus of, in numerator we have a function, in denominator we have another function. See, it is modulus of a divided by b. It is equal to here, modulus of l minus f of x, divide modulus of l of l times f of x. Because, ये क्यों हो रहा है? Modulus of a by b, it is equal to modulus of a over modulus of b. It is by this result. Now, यहां पे जो न्यूमरेटर में वी हैव एल माइनस एफ ऑफ एक्स, हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं. माइनस कॉमन निकालने से इसके कोई असर नहीं होगा. माइनस जब मॉडुलस ये बार होगा, इट बिकम्स प्लस, वी गेट हियर इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल डिवाइड, यहां पे मॉडुलस ऑफ एल टाइम्स एफ ऑफ एक्स, इट इज सी एल इज ए एफ एक्स इज बी, इट इज मॉडुलस ऑफ ए बी, इट इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी. यहां पे दो कंसेप्ट हमने यूज की, एक तो कंसेप्ट यूज किया मॉडुलस ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, एंड मॉडुलस ऑफ ए बी, इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये हमने दो कंसेप्ट यूज की. नाउ इफ वी शो दिस होल, दिस ये जो यहां पे ये जो क्वांटिटी है, अगर ये किसी एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेस देन एप्सिलॉन इन सम नेबरहुड ऑफ ए रिजल्ट होल्ड्स. अगर हमारे पास ये जो यहां पे आ गया, दिस इसके बराबर है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, किसी कोई एप्सिलॉन हमें मिलेगा इन सम नेबर, उस एप्सिलॉन के लिए अगर कोई नेबरहुड एग्जिस्ट होगा, साइड दैट दिस is less than epsilon,
अगर हमारे पास कोई एप्सिलॉन आएगा साइड दैट दिस इज लेस देन दैट पर्टिकुलर एप्सिलॉन इन सम नेबरहुड ऑफ ए रिजल्ट होल्ड्स, उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस चाहिए। वी हैव हियर इन न्यूमरेटर एफ एक्स माइनस एल मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल, वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, ये यहीं से ये हम यहां पे यूज कर सकते हैं। बट इन डिनोमिनेटर वी हैव मॉडुलस ऑफ एल, ये तो बड़ा मसला नहीं, वी हैव हियर मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहां पे यही मसला। डियर स्टूडेंट्स वी हैव हियर लिमिट, वी हैव लिमिट x tends to a f of x is equal to l, then for any epsilon dash which is equal to modulus of l divided 2 there exists delta 1 positive such that kya hoga modulus of f of x minus l is less than epsilon dash for 0 is less than x minus a is less than delta, but epsilon dash is here modulus of l divided by 2, that is modulus of f of x minus l is less than modulus of l divided 2 for 0 is less than x minus a is less than delta, ये हमारे पास। Now constructing step डाल देंगे यहां पर, modulus of l it is equal to modulus of l minus f of x plus f of x, this constructing modulus of l हमने ले लिया, it is equal to modulus of l minus f x, some quantity subtract किया and add the same quantity we get the same here modulus of l, it is now here modulus of a plus b, we use modulus property, it is now less or equal to modulus of l minus f of x plus modulus of f of x, ये हमें modulus property से मिलेगा। We have here modulus of l minus f x, minus common निकाल सकते हैं, minus जब modulus से बाहर आएगा that becomes positive, plus it is equal to now modulus of f of x minus l is plus modulus of f of x, ये हमारे पास आ गए। एल मॉडुलस ऑफ एल इज इक्वल टू नाउ दैट इज लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, नाउ यूज हियर दिस वन कंडीशन जो भी हमने यहां पे डिस्कस किया, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एल बाई टू इन दिस नेबरहुड, देयरफॉर ये जो हमारे पास है एल इज यहां पे लेस आर इक्वल टू, जब हम ये यूज कर लेंगे बिकम सिट्रिक्टलेस, सिट्रिक्टलेस इज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एल का वैल्यू हम ले लेंगे मॉडुलस ऑफ एल बाई टू, मॉडुलस ऑफ एल बाई टू प्लस है हमारे पास एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये सारा कुछ अब होगा फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा वन। नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये लेफ्ट साइड में आएगा बिकम्स हियर मॉडुलस ऑफ एल माइनस मॉडुलस ऑफ एल बाई टू इट इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज इन द सेम नेबरहुड। नाउ इट इज टू टाइम्स मॉडुलस एल माइनस वन टाइम्स मॉडुलस एल डिवाइड बाई टू, इट इज सिंपली मॉडुलस ऑफ एल बाई टू इट इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट इज सेम इन दिस डोमेन। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल वी गेट हियर टू बाई modulus of l, it is now greater than, ये less than था ये greater होगा when we take reciprocal f of x, ये भी इसी neighborhood। If we have a is less or equal to b after taking their reciprocals, जो inequality थी वो change होगी, यहां पे less था अब ये greater बनेगा when we take this reciprocals, ये हमारे पास आ गए, ये भी hold हो रहा है this in this domain, in this neighborhood. Now we have here in numerator modulus of f x minus l, we have limit of this function is l, since limit
x tends to a f of x equal to l, then for any epsilon star which is equal to modulus of l square epsilon divided 2. Epsilon star हम ले रहे हैं, कोई epsilon star that is positive real, smallest positive real number, same as epsilon, लेकिन यहाँ पे हम इसका notation epsilon star ले रहे हैं, which we fix as modulus of l square epsilon divided by 2. ये हमारे हाथ में किस तरह हम choose कर सकते हैं, जिस तरह हम इसकी choice लेंगे उसी अंदाज़ से हमें delta मिलेगा. अब अगर हमने इस तरह का epsilon ले लिया, there exist delta 2 positive size, that क्या होगा? Modulus of fx minus l is less than epsilon star for 0 is less than x minus a is less than delta. ये हमारे पास it is by epsilon delta definition of a limit of a function. ये हमें मिलेगा. Now taking the value of epsilon star, this is now equal to r f of x minus l is less than epsilon star is modulus of l square epsilon over 2. ये भी इसी neighborhood में होगा. Now dear students, we have this condition. ये condition आ रही है हमारे पास, ये property हमारे पास, ये relation हमारे पास satisfy होता है in this neighborhood. इसी तरह ये जो relation हमारे पास आ रहा है, it happens in this domain, in this neighborhood of the real number A. Now dear students, ये रिलेशन जो है ये इस नेबरहुड में सेटिस्फाई हो रही है, ये रिलेशन इस नेबरहुड में सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों रिलेशंस एक नेबरहुड में सेटिस्फाई होंगी. वो कौन सा नेबरहुड होगा? दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू नेबरहुड्स. वो कैसे हम ले सकते हैं? इन दो नेबरहुड्स में दोनों ये कंडीशन इस नेबरहुड में सेटिस्फाई हो रही है, ये रिलेशन जो है ये इस नेबरहुड में सेटिस्फाई हो रही है. दोनों रिलेशन जो है ये वन और ये वन रिलेशन जो है ये एक ही नेबरहुड में सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन वो नेबरहुड कौन सा होगा? दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू नेबरहुड्स. उसके लिए क्या कर लेंगे हम फिक्स डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू. ये हम ले रहे हैं इस डेल्टा वन एंड डेल्टा टू का जो मिनिमम वैल्यू वो हम डेल्टा ले रहे हैं. दैट बिकम्स if we take 0 is less than x minus a is less than delta. Now yahi intersection neighborhood hoga in do neighborhoods ka, usme ye condition bhi satisfy hogi aur ye condition, ye relation bhi satisfy hogi aur ye relation bhi satisfy hogi. Jab humne fix kiya delta equal to minimum of these two, therefore tab jaake kya hoga, this one 1 over modulus of f of x is less than 2 by modulus of l, and ये वाली condition भी satisfy होगी, modulus of f of x minus l is less than modulus of l square epsilon divided 2. ये दोनों conditions होंगी for 0 is less than x minus a is less than delta. इसमें now use these two relations here, 1 by f modulus of 1 by fx minus 1 by l modulus, it is ye hamare paas a modulus of fx minus l divide modulus l into modulus fx. Yahan pe hum ab ye do relations use kar denge. It is yahan pe modulus of fx minus l, it is strictly less, means yahan pe jo equality thi it is now strictly less. Yahan pe ye value dal denge hum modulus of l square epsilon divide. ये इसका वैल्यू है अपना, इसमें डिवाइड में हमारे पास है मॉडुलस है डियर स्टूडेंट, और हमारे पास है मॉडुलस ऑफ एफएक्स मॉडुलस, सॉरी इट इज 1 बाय मॉडुलस ऑफ एफएक्स, 1 बाय मॉडुलस ऑफ एफएक्स, इट इज स्ट्रिक्टली लेस 2 बाय, इट इज 2 बाय
मॉडुलस ऑफ एफ। यहां पे हमने कंसीडर किए जो डिनोमिनेटर में मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, वी कैन टेक इट एज 1 बाय मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। 1 बाय मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन 2 बाय, उसका वैल्यू हमने 2 बाय, ये 2 इज 2 के साथ कैंसिल होगा। ये मॉडुलस एल, ये मॉडुलस एल जो है डिनोमिनेटर में, ये दोनों इसके साथ कैंसिल होंगे, वी गेट हियर एप्सिलॉन। बट दीज टू कंडीशन इज होल्ड इन फॉर 0 इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा नाउ। देयरफॉर दिस वी हैव हियर 1 बाय fx माइनस 1 बाय l इज लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन इन नेबरहुड 0 इज लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज अस, दिस इंप्लाइज लिमिट x tends to a 1 by f of x, it is equal to now 1 by l, which is equal to 1 divided by limit x tends to a f of x। यहां पे दिया सुन, अब एक स्टेप मैंने ओमिट किया, 1 by f of x minus 1 by l is less than epsilon, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, यहां पे खाली epsilon रहा। This thing holds in this neighborhood, 0 is less than x minus a is less than delta, but when we use the definition, that is epsilon delta definition of limit of a function, we get limit x tends to a 1 by fx equal to 1 by l, which is equal to 1 by limit x tends to a f of x। इस तरह इस property का proof complete हो गया, dear students। इंशाल्लाह next video में एक और property हम इसी limit of a function at a point discuss करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज के इस लेक्चर का इंतजाम कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब मेरे चैनल, ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।